अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। लियो वीकली हॉरोस्कोप, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? लियो, ये आपका 1 से 7 सितंबर का वीकली हॉरोस्कोप है और इस हफ्ते में जो अहम तब्दीलियाँ हैं वो आपके लिए बहुत ही अहमियत की जो है वो हामिल होंगी, स्पेशली इन लॉज के हवाले से, ओवरसीज ट्रैवल के हवाले से, हायर एजुकेशन स्पेशलाइजेशन वाले जो लोग करना चाह रहे हैं उनके हवाले से, और जिनके कुछ मामलात, खानगी मामलात चाह रहे हैं, कोई घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली, खरीद फरोख्त, इस हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों का जो है वो अक्कास है और कुछ चीज़ें आपको जो है वो प्लान करनी होगी। मैं आपको जो बड़ी इस हफ्ते की जो चेंजिंग्स है उसके बारे में भी बताऊंगा, और उसके बाद जैसे कि हमने एक रूटीन अपनी सेट की थी डेली होरोस्कोप की, उसकी तरफ जो है फिर हम चले जाएंगे। तो सबसे पहली जो तब्दीली, बड़ी तब्दीली है, वो 4 सितंबर को आ रही है, जबकि मरीख जो है वो आपके जायचे के 11वें से निकल के 12वें चला जाएगा और यहाँ पे ये डेबिलेटेड है। यहाँ पे इसका जाना आपके लिए कोई बहुत अच्छा साइन जो है वो मैं नहीं समझता कि आपके लिए होगा। सबसे पहला जो मसला होगा, कुछ खानगी मामला आपके जो है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, बिलखसूस लियो के वो लोग जो कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, आपके लिए कुछ मामला जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, बिलखसूस छोटे भाइयों के साथ आपका कुछ जो है वो क्लैश आपके सामने जो है वो आ सकता है। ठीक इसी तरह आपके सुसाली जो कर्म के साथ भी एट द वन टाइम में कुछ मामला जो है वो डिस्टर्ब होने जा रहे हैं, और वहाँ से भी कुछ प्रॉक्सी के मामला, कुछ मामला जो है वो डिस्टर्ब होते जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल पैरेलल आपकी छोटी बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन ये जो एक ख़ास सेक्टर है, यहाँ पे आपको ख्याल करना है, आपकी वजह तनाज़ा कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई सवारी हो सकती है, कुछ खानगी मामला, कुछ बाय लॉज जो आपकी फैमिली के अंदर के हैं, जो रूल्स आपने बनाए हुए हैं, जो आपने सेटलमेंट की हुई थी, उनकी कुछ वायलेशन जो है वो होती नज़र आती है। इसके अलावा आपको बड़ा ख्याल करना है, चूँकि 12वां घर जो है इसको हम रॉबरी का घर भी मानते हैं, सो आपने इस हवाले से भी जो है वो कॉन्शियस रहना है। अब अगला सवाल ये आएगा, जी कब तक कॉन्शियस रहना है? तो ये आपको 4 नवंबर तक जो है वो प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो रही है। मैंने इसकी बहुत सारी डिटेल जो है वो अपने मंथली हॉरोस्कोप में, जो कि मेरे ही चैनल पे जो है अपलोड हो चुके हैं, मैंने उसमें बताया है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक वीक के हवाले से बता रहा हूँ, और कुछ चूँकि बड़ी चेंज है तो इसके हवाले से भी कुछ आपको गाइड कर रहा हूँ। अब आपको वीज़ा वगैरह अप्लाई करने से कतई तौर पे गुरेज करना है, स्पेशली अगर आप जो है वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जी पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अगर आप कर रहे हैं, या आप हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो फिर अब आपको वीज़ा वगैरह अप्लाई करने से कतई तौर पर जो है वो गुरेज करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो मुझे नज़र नहीं आता। परवरदिगार आप सबको अपनी अमान में रखे, आपको एहतियातन 261 टाइम डेली जो है या मालिको या कुद्दूस पढ़ना चाहिए, और आपको हर मंगल को एवरी ट्यूसडे जो है 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका ज़रूर देना चाहिए, ताकि आप जो है अपने मामलात को सिक्योर रखते हुए आगे की तरफ जो है वो चलते चले जाएं। अच्छा जी, उसके बाद आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो वीनस आ चुका है आपके जायचे के तीसरे घर में, रिलेशनशिप पर आपका ख़ास फोकस भी होगा और आप इस मामले को आगे बढ़ाने में भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कई एक नज़दीकी सफ़रों का प्लान बनेगा बहन भाइयों के साथ, अब जो है वो रिवर्स हो रहे हैं, मामला जो ख़राबी की तरफ चले गए थे वो सारे मामला अब रिवर्स जो है वो होने शुरू हो चुके हैं, और अगले हफ्ते में फाइनेंशियल मामला के हवाले से भी कुछ बेहतरी जो है वो यहाँ पर मतवक होगी। उसके साथ ही आपके कैरियर, आपके रोज़गार के मामला भी आप लहले से बेहतर होंगे। आप अपनी कोशिशें, वो तो आप पहले भी कर रहे थे लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जो आप कोशिशें करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियां ज़रूर मिल सकेंगी। इसके अलावा आपका पूरा फोकस होगा अब अपनी फाइनेंसिस को बैलेंस करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, और परवरदिगार के फजल से अगले हफ्ते में इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। अभी आप उन चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने मामला को बेहतर कर सकते हैं, अगले दिनों में इंशाल्लाह ये मामला जो है वो बेहतर हो सकेगा। तो हम जो देख रहे हैं उसमें काफ़ी सारी बेहतरी हैं। 7 सितंबर को कमरदार अक्रब है, कुछ बैरूनी ताकतें आपके मामलात को, आपके फैमिली माहौल को जो है वो इंटरफेरेंस करके तो गड़बड़ कर सकती हैं, और ये स्पेशली उस वक्त है जब 4 सितंबर को मरीख भी जायचे के
बारहवें घर में आ चुका है। तो आप अगर नोट कर लें तो चार से लेके तो नौ तक का ये जो हफ्ता है वो आपके लिए किसी सूरत भी जो है वो बेहतर नहीं होगा, चूंकि 7 सितंबर को जो कमरदर अकरब शुरू हो रहा है ये 9 तारीख तक चलेगा। कमरदर अकरब के वाले से मैं कहूँगा 2 किलो चावल आटा या दूध का सदका देके अपने मामलात को आप जो है वो कवर अप कर सकते हैं, परवरदिगार की अमान हासिल कर सकते हैं। घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली खरीदो फरोख्त के लिए 4 सितंबर से ही हालात बेहतर नहीं होंगे, जबकि 7, 8, 9 तो आपको कतई तौर पे ऐसे किसी भी कदम से जो है वो गुरेज करना होगा। वालदा की तरफ से कुछ परेशानियाँ आपके सामने आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको अपना घर जो है जहाँ भी आप रह रहे हैं ये छोड़ना भी पड़ सकता है। इसमें कुछ बैरूनी मुदाखलतें हैं जिसकी वजह से घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो सकता है। हर पर्सन के साथ उसके माहौल और उसकी प्लैनेटरी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो प्रॉब्लम और बेनिफिट्स जो है वो दोनों चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आपके जो हमने डेली एक सिस्टम डेट बाई डेट का स्टार्ट किया था उसके लिए चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बताते चलूँ आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो रूबी है। रूबी अपने हाथ में पहने, ये आपको स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, हिडन एनिमीज से बचाव के लिए भी, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके लिए भी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके लिए भी। आपके अपना सियारा अगर मजबूत होगा तो आप बैरूनी जो ताकतें हैं उनको कवर करने में कामयाब जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे। सो ये आपके लिए एक आइडियल टाइम है जब अपने मामले को आप जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अच्छा जी, हम इससे अगली तरफ चलें अब तो आपके लिए यकम तारीख जो है ये काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर रहेगी। आप अपनी कोशिशों में इंशाल्लाह जो है वो कामयाब होंगे, अपने मामलात को जो है वो बेहतर बनाने में आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। स्पेशली फॉरेन से कुछ आपको ट्रेडिंग का मौका मिलेगा, कोई आपका दोस्त आपके मामलात को आपकी ख्वाहिशात की तकमील में जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। लाशौरी तौर पर आप जो है यहाँ पर मुझे स्ट्रांग होते नज़र आ रहे हैं और एक जिसको हम कहते हैं कल्बी सुकून वो आपके पास जो है वो मौजूद है। इसके अलावा सूझबूझ में इजाफा होगा, शऊर और लाशौर दोनों चीज़ें, दलील और इंट्यूशन दोनों को आप जो है वो पैरेलल साथ लेके चलते मुझे नज़र आ रहे हैं और इसका एक बेहतरीन फोकस आपका जो है वो आपकी फाइनेंसेस हैं या आपके जो गोल्स हैं उसको आप किस तरीके से जो है बेहतर बना सकते हैं। यकम तारीख को ही ये वो दिन होगा जब आपको एक बार तहरीक मिलेगी, ये 4 तारीख से पहले की बात है। यकम को आपको तहरीक मिलेगी कि आप किसी तरह अपने खानगी मामलात को, घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली की फरीद व फरोख्त वाले मामलात को जो है वो आगे लेके चलें। बट मैं आपसे कहूँगा कि इसको अभी ना छेड़ना ही जो है वो आपके लिए मुनासिब होगा। 3 तारीख जो है ये आपका कंजक्शन है सन और मून की, जाहिर चक्के खान दूसरे पार्ट में फाइनेंशियल मामलात ज़ेरे गौर होंगे, आपकी पर्सनलिटी ट्रेट जो आपने वादे किए हुए हैं और जो कुछ आपके लाशौर में चीज़ें हैं कि आपने यहाँ यहाँ पेमेंट्स करनी है वो चीज़ें आपके ज़ेरे गौर होंगी और उसके मामले में कुछ बेहतर डिसीजन की तरफ जो है वो आप जा सकेंगे। जबकि दूसरी तरफ आपके अजवाजी मामलात और सेहत से मुतल्लिक़ मामलात इनके ऊपर आपको जो है वो खास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स और अनएक्सपेक्टेड कुछ अखराजात जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल रखना ही आपके लिए जो है वो बेहतर होगा। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, ये मंगल और बुध 2 दिन आपको इस पर जो है फोकस करना है जी। उसके बाद 4 तारीख को जो है यहाँ पे मामलात कुछ मिजाज में तेज़ी रहेगी। ये वो दिन होगा जबकि मार्स जो है वो अब आपके जाहिर चुके 12वें घर में आ गया और जो मून है ये भी उसके साथ जो है वो तरबी बनाएगा अब, और ये तरबी आपको लाशौरी तौर पे थोड़ा सा अग्रेसिव कर सकती है आपकी गुफ्तगू में, आपके फाइनेंशियल मामलात में, और इसमें कुछ तेज़ी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कीजिएगा, अपनी गुफ्तगू को जितना आप कंट्रोल कर सकें उतना ही अच्छा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी गुफ्तगू की वजह से आती हैं, उसकी ज़ुबान की वजह से आती हैं। सो इसको जितना कंट्रोल रख के चलेंगे उतना ही आपके लिए जो है इस मामले में बेहतरी जो है मतवक्को होगी। 5 का दिन जुमेरात जुमा हफ्ता ये आपके लिए काफ़ी जो है वो बेहतर मुझे साबित होते नज़र आते हैं। इसमें आपको जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नज़दीकी सफ़रों का और बहन भाइयों के साथ इंट्रक्शन, आपकी एजुकेशन के मामले बेसिक ये बेहतर होंगे। आप अपनी कुछ कोशिशों को जो है इनिशिएट करें, लाशौरी तौर पर आप इस बात पर आ चुके हैं कि अब आपको अपनी कोशिशों को जो है वो बढ़ाना है और इस तरफ आपकी तवज्जो बेहतर होगी, कारोबारी मामलों में बेहतरी मिलेगी, फ़ौरन से कोई सेटलमेंट और उस मामले में आगे बढ़ने का जो है वो आपको मौका मिल सकता है। जुपिटर के साथ जो मून की
एक ट्राइन है, ये भी आपकी ख्वाहिशात की तकमील और इनिशिएटिव्स के हवाले से बहुत ही अच्छी इंशाल्लाह आपके लिए साबित होगी। आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, अपने तल्लुकात को भी वसी करेंगे और अपनी ख्वाहिशात की तकमील भी करेंगे। कुछ वरासती मामलात के हवाले से गुफ्तगुनी जो है वो हो सकती है। लव लाइफ में बेटरमेंट मिलेगी, बच्चों के साथ आपको जो है वो कन्वर्सेशन करने का यहाँ पे जो है वो मौका आपको मिलता नज़र आता है। इसके अलावा इसी दिन जो है वो आपकी सूझबूझ में भी इजाफे के मामलात हैं, आप कुछ मशावरत कर सकेंगे अपने बहन भाइयों से और कुछ लोग आपकी तरफ भी मतवज्जो होंगे आपकी सूझबूझ की वजह से। कुछ चीज़ें जो अभी क्लियर नहीं हैं आपके मामलात में, फाइनेंस के हवाले से, कोई लेन देन के हवाले से, या आपके दोस्त साहब आपके साथ कुछ जो मामलात हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, प्योरिटी मिलेगी, ये मामला इंशाल्लाह आपका बेहतर होता चला जाएगा। ये सब जनरल है, मैं जैसे हर बार बताता हूँ इंडिविजुअल के लिए आपको अपना इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जो है वो जाना होता है। बेहतरीन जमसों के लिए आप हमारी वेबसाइट jawajab.com विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप अपने लिए स्टोन हासिल कर सकते हैं, और इंडिविजुअल रीडिंग अगर चाहिए हो तो व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट अपने लिए ले सकते हैं। हमेशा की तरह अपनी दुआ में याद रखिएगा, जो चेंजिंग्स होती हैं प्लैनेट्स की उसमें कई चीज़ें जो है वो रह भी जाती हैं, लेकिन याद रखें कि अगले ही दिनों में जो है वो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो जो सवालात के जवाब आपको इस बार नहीं मिल रहे वो नेक्स्ट वीक की वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाते हैं। यही कुदरत का निज़ाम है, और मैंने ये भी देखा है कि वही जो प्लैनेट्स की मूवमेंट्स हैं वही आपके सामने ज़्यादातर आती है, उसी की तरफ आपकी जो है तवज्जो देने की ज़रूरत भी होती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होइएगा। दोबारा चैनल पर आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। हमारा अगला ज़ोडियक साइन वर्गो। वर्गो ये आपका वीकली हॉरोस्कोप है, 1 to 7 September आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। वर्गो, उम्मीद करता हूँ बफ़ज़ल ताला आप खैरियत से होंगे। ये हफ्ता अभी थोड़ा सा आपके लिए कुछ मिला जुला लेकिन कई हवाले से बहुत अच्छा भी जो है वो होगा। सबसे पहली बात तो ये कि सन आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ चुका है, 12वें घर का लॉर्ड होता है फर्स्ट हाउस में है, तो इट्स मीन जो कि लाशौर में था आपकी चीज़ें वो अब बेहतर होनी शुरू होंगी और वो आप उसका इजहार भी करेंगे। फिर आपका अपना रूलिंग प्लैनेट भी जायचे के 12वें घर में मौजूद है, इंट्यूशंस पर अपनी फोकस रखिएगा, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़बरदस्त होंगी। और बिलखसूस मैं आपसे कहूँगा कि 1 और 2 के जो ड्रीम्स हैं स्पेशली ये 2 दिन के जो ड्रीम्स हैं ये आपके लिए बड़े अहम होंगे, इनके ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आपको ट्रू ड्रीम्स की जो है वो सिचुएशन मिलेगी। थोड़े से अभी भी वरिड हैं आप अपने कैरियर के हवाले से, अपने रोज़गार के हवाले से, लेकिन अगले दिनों में ये इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इसकी जो पूरी डिटेल है वो मंथली हॉरोस्कोप की सूरत में अपने चैनल पर अपलोड कर दी है आपके लिए, आप उसको देख सकते हैं। आपका मंथली हॉरोस्कोप जो है वो पूरे सेप्टेम्बर के हवाले से है, और उसमें मैंने आपका कैरियर, आपकी फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपकी जॉब और आपकी शादी वगैरह के मैटर्स को पूरी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया। सो अब मैं आता हूँ आपके इस हफ्ते के अहम इवेंट्स के ऊपर, और उसके बाद हम डे बाय डे पे चले जाएंगे। 4 सितंबर को मार्स जो कि आपके जायचे के 10वें घर में मौजूद था, जेमिनी में था लेकिन 10वें घर में बहुत अच्छा था, ये अब जायचे के 11वें घर में और डेबिलेटेड जो है वो होने जा रहा है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है, अपने मुश्तरका मफादात के जो आपके मामलात हैं और आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ, आपका फिजिकल रिलेशनशिप, आपके जॉइंट एडवेंचर्स, आपकी जो अनएक्सपेक्टेड जो गेन होता है, जो लॉसेस होते हैं वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। आपका लॉस होने के इम्कान ज़्यादा हैं, जो आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप है, आपका फिजिकल रिलेशनशिप, ये भी थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब जो है वो होता नज़र आ रहा है। और कुछ वजह तनाज़ा आपके अपने छोटे भाई होंगे, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है वो काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अहम होगा कि आप इसके ऊपर जो है वो फोकस करें, और ऐसी किसी भी चीज़ से जो है वो आपको कतई तौर पे गुरेज करना है जो कि आपके मबैन इख्तलाफात को जो है हवा दे सके। अच्छा, हर वक्त इंसान की हर जो ख्वाहिश है वो भी पूरी नहीं हो सकती होती, तो मार्स अब आपने 11वें घर में आपके आ रहा है और तकरीबन 2 महीने के लिए यहाँ पे जो वो काम करेगा, तो सब आपके साथ इख्तलाफात से गुरेज कीजिएगा। अपनी गुफ्तगू में आपको जो है एहतियात करनी है, हार्ड स्पीच और जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से आपको जो है गुरेज करना। नज़दीकी सफ़रों में भी एहतियात कीजिएगा, दोस्त साहब आपके साथ लेन देन के मामलात, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के ज़िम्मे ऐसे काम लगा देते हैं जो कि वो कर नहीं पाते, जो कि वो कर नहीं सकते,
तो इस मामले में भी आपको बड़ी एहतियात के साथ जो है वो आगे चलना है। वो काम कीजिएगा जो कि आपके लिए मुनासिब हैं, वो काम कीजिएगा जिसमें कि आप समझते हो कि दूसरा बंदा पूरा कैपेबल है, वो ये कर सकता है। वो काम सिर्फ उनको कहिएगा और उसमें भी जहन में रखिएगा कि शायद आपकी इमेजिनेशन जो है वो ज़्यादा हो, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा हो। अच्छा जी, उसके बाद 7 सितंबर को जो है कमरदर अकरब होगा, ये जायचे के तीसरे घर में है। वंस अगेन आपके दोस्त अहबाब, आपके गोल्स टारगेट्स ये थोड़े से मुझे वो रुकते हुए नज़र आते हैं मामलात के साथ, और नज़दीकी सफ़र का कोई प्लान 7-8 दिनों का ये पॉसिबल आपका हो सकता है, और कुछ इख्तलाफात आपके दोस्तों के और आपके माँ बहन जो है यहाँ पर हो सकते हैं, बिलखसूस छोटे बहन भाई और करीबी अजीज़ो करब के साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हुए आपको जो है वो बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। 2 किलो चावल आटा या दूध का सदका देके आप इस मामले को जो है कवर कर सकते हैं। आपको चाहिए कि अपने हाथ में एक एमरल्ड वेयर करें, या आप इसके मुतबादल पेरीडॉट वेयर कर सकते हैं, आप इसके मुतबादल पर नेफ्राइट जो है वो वेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे जो हैं वो इंशाल्लाह साबित हो सकते हैं। परवरदिगार आपको अपनी अमान में रखे। ये पत्थर आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करेंगे, आपके कैरियर आपके रोज़गार से मुतल्लिका मामलात को जो है उसमें आपको बेहतरी मिलेगी, और ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो साबित हो सकते हैं। बेहतरीन जम्सों के लिए आप हमारी वेबसाइट jawajam.com विज़िट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम अब चलते हैं अपने जो डेट बाई डेट का हमने सिलसिला स्टार्ट किया था, तो यकम का जो दिन है ये आपके कारोबारी हवाले से, आपकी इंट्यूशंस के हवाले से, आपके गोल्स आपके टारगेट्स के हवाले से बहुत अच्छा होगा। आप मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यकम और दो के जो ड्रीम्स होंगे, जो मामलात होंगे, आपके पास इंट्यूशंस जो होंगी, लॉजिक से ज़्यादा इंट्यूशन पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ जो है वो समझने में मिल जाएगा। मरकरी स्टैंड बाय हो चुका हुआ है, और अब आपको मैं स्पेशली इसीलिए कह रहा हूँ कि चूँकि आपके 12वें घर में मौजूद है, तो आपको इस बारे में बड़ा अच्छा मिल जो है मामला रहेगा। फिर जो हमारी खवातीन हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो कि मैरिड हैं, आपको अपनी मदर इन लॉ के साथ जो रिलेशनशिप के मैटर हैं उसके ऊपर फोकस रहना पड़ेगा, और कदरे इत्तदाल के साथ कुछ दिन जो है वो निकालने होंगे, चूंकि 9 तारीख तक जो है वो मरकरी यहीं पे रहेगा साइच के 12वें घर में, तो आपके अगेंस्ट जो है कुछ प्रॉक्सीज जो है वो हो सकती हैं, मोहतात रहना बहुत ही जो है वो आपके लिए मुनासिब रहेगा। जबकि जो सुसाली आपके सिबलिंग्स हैं, जो बहनें आपकी उधर से हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो कदरे बेहतर रहेगा, बल्कि वहाँ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको जो है मिल सकती है, मॉरल सपोर्ट भी आपको जो है वो मिल सकती है। अच्छा जी, यकम को ही जैसे कि मैंने कहा मून का किरान होगा आपके मरकरी के साथ, तो ये दिन जो है वो आपके कैरी रोज़गार के वाले से, पर्सनलिटी ट्रेड्स के वाले से आपको थोड़ा सा बावर करवाएगा कि पिछले दिनों में आपने क्या गलतियां की हैं और किन चीज़ों से आपको जो है अवॉइड करना है। 3 तारीख जो है ये बहुत अच्छी रहेगी, आपका आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी, इज़्ज़त वक़ार में जो है वो आपके इजाफा होगा, आपने नए गोल्स जो हैं उनको सेट करेंगे, नई एनर्जी के साथ आप अपने मामलों को आगे बढ़ाएंगे, स्पीच बहुत स्ट्रांग होगी आपकी लोगों में, माशरे में आपकी इज्जत वकार में जो है वो इजाफा भी होगा। जबकि ये दिन जो है वो आपके ना चाहते हुए भी शरीके हयात के साथ, शरीके कार के साथ रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपकी हेल्थ, आपकी जॉब के हवाले से जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। आपको हार्ड फैसलों से जो है कतई तौर पे जो है वो गुरेज करने की ज़रूरत होगी। किसी दोस्त की बातों में आगे जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, वरना जॉब नहीं मिल सकेगी। अच्छा, उसके बाद आपके जो फैमिली मैटर्स हैं और जो शादी अज़वाजी मामलात हैं ये आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होंगे, जबकि आप जो है आपका फोकस अपने कैरियर अपने रोज़गार के ऊपर भरपूर रहेगा। ये 3 और 4 जो है ये डेट्स हैं जी। 4 तारीख को आपको स्ट्रांगली मैं कहूँगा अपने छोटे भाइयों को, अपने जो मैटर्स हैं, आपके कारोबारी मामलात हैं या आपके सोशली जो कर्ब हैं, उनके साथ जो है वो कन्वर्सेशन में जो है वो आपको ब्लॉक करना होगा, अदरवाइज़ ये आपके लिए कुछ मुश्किलात जो है पैदा कर सकते हैं। 5 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, आप अपनी गोल्स के ऊपर डिटरमिनेंट होंगे, जो आपने कैरियर रोज़गार के हवाले से सेट किए थे, कुछ दोस्तों से वाबस्ता आपकी उम्मीदें जो है वो पूरी हो सकती हैं, फॉरेन ट्रेवल के लिए आपको जो है वो मौका मिल सकता है, वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा होगा, और आप इसमें किसी दोस्त की मदद भी जो है वो ले सकते हैं। सुसाली जोकारों के साथ मिलके कोई लॉन्ग जो है वो डिस्टेंस जर्नी का प्रोग्राम आपका जो है ये भी बन सकता है। स्पिरिचुअली ये एक बहुत अच्छा दिन होगा, 5 तारीख है, जुमेरात है, स्पिरिचुअल वैसे भी दिन जो है वो स्पिरिचुअलिटी का है, जुमेरात को जो है वो
स्पिरिचुअलिटी के वाले से बहुत अच्छा माना जाता है, चूंकि जुपिटर से मनसूब है। और यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज होंगी, आप जो है कुछ डोनेशन की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि कोई स्पिरिचुअल जो है वो प्रोसेस में जाना, कुछ डोनेट करना, कुछ ऐसा काम करना जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो मुमकिन हो सके। सो ये मामला आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 6 तारीख भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो मुझे रहती नज़र आती है, स्पेशली आपके करियर रोज़गार के हवाले से, आपकी फाइनेंस के हवाले से, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स जो है ये पूरे हो सकेंगे। आपका जो स्पाउस है वो भी और वर्किंग पार्टनर भी आपको यहाँ पर अच्छी हेल्प करेगा। इनकी मशावरत से आप जो है वो अपनी फाइनेंशियल मामलात को जब बेहतर बनाने में इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, 7 को कमर दरकब है, 7, 8, 9 नज़दीकी ट्रेवल्स से आपको ग्रेज करना है, गुफ्तगू में एहतियात करनी है, बहन भाइयों के साथ किसी भी किस्म के इख्तलाफ से कतई तौर पर जो है वो आपको ग्रेज करना है। 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका दे के इस मामले को जो है वो आप अपने लिए कवर अप जो है कर सकें। ये सब जनरल है, इंडिविजुअल अपने बारे में जानना चाहें, अपने मैटर्स को डिस्कस करना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर आपके लिए दिया गया है, इसके ऊपर रब्ता करके तो आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। और मजबूती तौर पे एक अच्छा हफ्ता है, इसको मज़ीद आप प्लान के थ्रू जो है वो बेहतर कर सकते हैं। परवरदिगार जो कि हर चीज़ पे कादर है, मेरी दुआ है कि वो आपके लिए जो है वो बेहतरीन जो है वो रास्ते बना सके, बेहतरीन मददगार आपका जो है परवरदिगार जो है वो हो सके। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है, जितनी भी चीज़ें हम बता रहे होते हैं ये हो सकती हैं की बातें हैं, इसको अगर किसी चीज़ से बचना है परवरदिगार की मदद लीजिए और अल्लाह ने जो आपको सूझबूझ अता की है उसको इस्तेमाल में लाइए। इस तरह आप अपने बहुत सारे मामलात को जो है बेहतर बना सकेंगे। इजाज़त चाहूँगा, चैनल पे दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। लिब्रा, हमारा अगला जो जॉडिक साइन है लिब्रा वीकली हॉरोस्कोप 1 to 7 सितंबर, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? लिब्रा, ये हफ्ता आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आ रहा है जो कि चैलेंजिंग भी हैं और कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर भी जो है वो होने जा रही हैं। जो बेहतर हुई हैं उसमें वीनस है और मरकरी की जो है वो स्टैंड बाय पोजिशन है, और जो चैलेंजिंग है वो मार्स है, मरीख जो आपके जायचे के 7वें शर्ती अजवाजी तल्लुकात, आपके शादी से मुतल मामला, और ये आपके फाइनेंस से भी मुतल्लिक है। आपके दसवें घर में जा रहा है, सो आपकी वालदा, आप सॉरी आपके मदर इन लॉ और आपके वालिद और आपके जो ससुराली सिबलिंग्स हैं उनका रोल बहुत ही अहम जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा, ये 4 तारीख से, जबकि मरीज जो है वो यहाँ पे आएगा। और मैंने इसकी पूरी डिटेल भी आपको जो अपने मंथली हॉरोस्कोप में दी है, वीडियो मौजूद है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं पूरी डिटेल। यहाँ पे मैं एक वीक की चुके बात है तो इसके ऊपर भी बात करूंगा और थोड़ा सा हिंट भी आपको जो है वो देता चला जाऊंगा। मार्स 4 तारीख को जो है ये डेबिलेटेड हो जाएगा, जायचे के 10वें घर में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको आपके रिलेशनशिप के हवाले से बताऊंगा, स्पेशली मैं डिस्कशन करूंगा पहले हमारी जो खवातीन है लिब्रा की, हमारी बहनें बेटियाँ जो कि मैरिड हैं, ससुराली मामलात हैं, आपके ऑलरेडी अपने स्पाउस के साथ कुछ इख्तलाफात जो है वो आपके सामने आ रहे थे, और कुछ इख्तलाफात आपके स्पाउस के अपने सिबलिंग्स के साथ भी, और आपके भी उनके साथ जो है वो आपको देखना पड़ा। उधर से बड़ी रैशनल किस्म की जो है वो फीडबैक आपको आ रही थी और बड़ी ही अटैक वाली सिचुएशन जो है वो बन रही थी। अब इसमें जो है वो तब्दीली आ रही है। अब मामला ये है कि खाली सिबलिंग नहीं, अब आपकी मदर इन लॉ भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और कुछ क्लैश जो है वो फैमिली में, इस ससुराल साइड वाली फैमिली में कुछ क्लैश मुझे जो है बनता नज़र आ रहा है। आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे, आपके स्पाउस के भी होंगे, और फिर डेफिनेटली उसका जो है वो जो कहते हैं ना, जब आंधी चलती है तो कोनों खुदरों में भी मट्टी चली जाती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ आपके ऊपर भी आएगा। मेजर आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो अपनी मदर के साथ जो है वो क्लैश में जाता नज़र आता है। सो यहाँ पे आपको हर कदम जो है वो फूंक फूंक के रखना है। ये सिलसिला जो स्टार्ट हुआ ये 4 नवंबर तक चलेगा, बहुत एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है वो डाल सकती है। दूसरी तरफ कुदरती मेहरबानी ये भी हुई है कि वीनस आपके फर्स्ट हाउस में आ चुका हुआ, उसके आपको डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। मैंने ये पूरी डिटेल के साथ आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स और आपके सोशल लाइफ ये मैंने मंथली में जो है वो डिस्कस किया है। अब मैं आता हूँ उन लोगों की तरफ लिब्रा के, जिनकी जो है वो अपने बिजनेस का जो मैटर है वो है, कैरियर रोजगार से मुतल्लिका मैटर है, और वो लोग भी जो कि शराकतदारी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और वो खवातीन तो स्पेशली इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, जिनका जो मैरिड भी हैं और जो अपना बिजनेस कर रही हैं, या
जिनका कैरियर रोजगार का भी है, यानी वो ऑफिशियल भी हैं और उनके सोशली मैटर भी, आपको डबल इम्पैक्ट होगा। पहली चीज़ें वही देंगी, अब मैं आपको दूसरी चीज जो है बताने लगा। ये चूंकि सातवें घर का लॉर्ड है और फाइनेंस का भी है, दसवें घर में जाके जो है तो आपके कुछ क्लैशेज जो हैं वो बनते नजर आ रहे हैं अपने वर्किंग पार्टनर के साथ, अपनी शराकतदारी में जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं आपके उनके साथ कुछ क्लैश जो है वो बनते हुए मुझे नजर आते हैं। और इसका मेजर कॉज जो है वो फाइनेंस होगा, फाइनेंस को लेके मामला जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपको खुदा नखास्ता यहाँ पे कुछ बड़ा सेटबैक जो है वो हो सकता है। सो बी केयरफुल, आपको बड़ी एहतियात करनी है। वो लोग भी जो कि एम्प्लॉय हैं, मैं आपसे भी कहूँगा कि आपके सीनियर के साथ जो है वो कुछ इख्तलाफात बन सकते हैं, मोहतात रहिए और अपना कैरियर डिस्टर्ब होने से आपको बचाना है। आपको रोज़ाना 261 मरतबा या मालिक या कुदूस पढ़ना है और रोज़ाना एक तस्बीह या हाफिज़ हो या हफीज़ की करनी है। इसके अलावा हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देके आपको इसको जो है वो हर सूरत कवर करना है। इसके बाद जो अपना बिजनेस कर रहे हैं मैं उनके लिए स्पेशल लग से कहूँगा कि ये 2.25 महीने नई इन्वेस्टमेंट से आपको कतई तौर पे जो ग्रेज करना है और बिलखसूस इस वीक में 7 तारीख को जबकि कमरदर अकरब होगा मून जो कि 10वें घर से रिलेट है और एग्जैक्टली आपके खाना माल में जाके ये जो है वो डेबिलेटेड हो जाएगा। 2 किलो चावल आटा या दूध का सदका दीजिएगा और मोहतात रहिएगा। आपका कोई बना बनाया काम खुदा ना खास्ता बिगड़ सकता है, कोई एग्रीमेंट तयशुदा जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, एहतियात कीजिएगा, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि 2 स्टोन इस वक्त आपको बहुत हेल्प करेंगे, एक तो वाइट ओपल जो कि ऑलरेडी आप जो है वो पहनते हैं, मैं उसका मशवरा भी देता हूँ वाइट ओपल पहनिए, चूँकि वीनस आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, साल के बाद एक बार आता है, बहुत ही आइडियल टाइम है, इसको जो है वो कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा आपको चाहिए कि अपने हाथ में एक मरजान पहन लें जो कि आपके शक्ति अजवाजी मामलात, आपका कैरी रोजगार से मुतलका मामलात, आपके फाइनेंशियल मामलात को जो है वो कवर करने में आपको मदद देगा। चूंकि डेबिलेटेड जब प्लैनेट होता है तो उसमें पावर्स नहीं होती, अब वो आपको पॉजिटिविटी कोई नहीं दे सकता, तो आपको आउटसोर्स की तरफ जाना है, जेम थेरेपी इसी चीज़ का नाम है। तो यहाँ पे आपके लिए जेम थेरेपी ये है कि अगर आप ये वाला मरजान स्टोन पहनेंगे तो आपका जो है वो जेम थेरेपी होती चली जाएगी, आपको आउटसोर्स से चीज़ें मिलती चली जाएंगी। मिसाल के तौर पे जब लाइट हमारे पास नहीं है तो हम यूपीएस यूज़ करते हैं या सोलर हम जो है वो यूज़ करते हैं, रात को भी कई लोगों ने जो बैटरी बैकअप किया हुआ है उससे आप लेते हैं, तो ये एक बैटरी पैक है मरजान इस वक्त आपके लिए। अगर खुदा न खास्ता आप मरजान अफोर्ड नहीं करते तो सुरख की एक अच्छी क्वालिटी का लेके अपने हाथ में पहन लीजिए, ये भी आपको जो है वो बेनिफिट जो है वो दे सकता है। बेहतरीन जेम्सों के लिए आप हमारी वेबसाइट jawajam.com विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ये जनरल है, इंडिविजुअल अपने बारे में देखना चाहें या कोई ख़ास जेम थेरेपी किसी ख़ास मकसद के लिए करना चाहें या मुशावरत करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है वो रब्ता करके ये तमाम सर्विस जो है वो अवेल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके साथ जो हमने बात की थी डे बाई डे का, हम जो एक सिलसिला स्टार्ट किया था उसके ऊपर चलते हैं। यकम की जो डेट है ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आपके सूझबूझ में इजाफा होगा, कारोबारी मामलात में जो है वो बरकत आपको होगी, ओवरसीज ट्रैवल के कोई प्लान बन सकता है, आप अपने विजडम से जो है वो बेनिफिट लेंगे, अपने दोस्तों को साथ मिला के आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का प्लान बन सकता है और आपके विजडम और आपके जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी साइड पर जो है वो जाएंगी। आपको ख्याल करना है इस वक्त अपने उन दोस्तों से जो कि मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी हवाले से जो है वो मौजूद हैं और वो अगर आपके अगेंस्ट होते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो होगी, इन लोगों को कम से कम इन्वॉल्व कीजिएगा। और गवर्नमेंट सेक्टर से किसी किस्म की अगर आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है तो भी आपको बहुत एहतियात करनी है। आपने ये समझ लीजिए कि 3 तारीख का दिन जो है ये बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो आपने गुजारना है, जबकि इन दिनों में यही यकम से 3 तक जो है वो आपके शाक्तीय अजवाजी मामलात और कैरी रोज़गार फाइनेंस से मुतलका मामलात भी जेरे गौर आएंगे और आप अच्छे फैसले इंशाल्लाह जो है वो यहाँ पे कर पाएंगे। 3 तारीख का दिन जो है ये कुछ मामलात के हवाले से स्पेशली आपकी फैमिली मैटर्स, आपके बच्चों के साथ मामलात और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ मामलात में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। और ये वो दिन है ख़ासतौर पे जब आपको कैरी रोज़गार के हवाले से पाकिस्तान से बाहर से कुछ बेनिफिट्स भी जो है वो इंशाल्लाह मिल सकेंगे, जिनका एक आध दिन पहले आपने जो है वो कुछ प्लान किया हुआ है। 4 तारीख बहुत अच्छी नहीं होगी, आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने जो सोशल जो कर्ब हैं जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ और आपके अपने स्पाउस
के साथ जो है कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, और ये चीज़ आपके लिए ज़हनी परेशानी का जो है वो बाइस खुदा नखास्ता बन सकती है। पाँच और तीन और चार के जो डेट्स हैं इसमें आपके जो ड्रीम्स होंगे वो बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे, स्पेशली जो आपके कैरियर रोज़गार या आपकी मदर लॉ के हवाले से आएंगे, इनके ऊपर जो है आपने फोकस करना है। पाँच तारीख ये बहुत अच्छी डेट होगी, आपको कारोबारी मामलात में जो है वो बेहतरी मिलेगी। सात तारीख से पहले पहले ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप कोई मामला निपटाना चाहें तो इसमें आपको मौका मिलेगा। मदर लॉ के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो कदरें बेहतर जो है वो मिलेगा, उनको आपको कुछ किसी मामले में जो है अप्रोच किया जा सकता है। इसी तरह कारोबारी वाले से भी कोई नई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स करने की जरूरत जो है वो पड़ सकती है आपको। ऐसा कुछ भी करना हो तो आप 5-6-2 तारीख में जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद 6 तारीख को ही आपका विजडम में जो है यहाँ पर बेहतरी आएगी, मुलाजमत के हवाले से मामला बेहतर होंगे, हेल्थ जो मैटर्स हैं उनको कवर अप कर सकेंगे, बहन भाई आपके अपने हों या आपके ससुराली हों दोनों के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे। एजुकेशन बेसिक अगर आप ले रहे हैं या आप स्पेशलाइजेशन कोई करना चाह रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ बेहतर फैसले जो है वो आप मतवक्को होंगे, और कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी आपका जो है स्टार्ट हो सकता है। नज़दीक और दूर दोनों तरह के जो है वो मामला होंगे, और कुछ कन्वर्सेशन भी आपके स्पिरिचुअल हवाले से जो है वो जारी जो है वो यहाँ पर होंगी। उसके बाद मरकरी के साथ एक बहुत अच्छी नज़र बनेगी, जो कि आपकी बैक एंड माइंड के जो मामला हैं वो और स्पिरिचुअलिटी के हवाले से मामला उसमें बेहतरी आएगी। अच्छी गुफ्तगू कर सकेंगे दोस्त साहब आपके साथ, मशावरत भी जो है वो कर सकेंगे, आपकी ख्वाहिशात की जो है वो तकमील हो सकेगी। ये टाइम बहुत अच्छा है। 7 तारीख को कमर दरकब है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं जो है वो गाइड कर चुका। सो यकम से लेके तो 6 तक काफ़ी सारे मामलात इस हवाले से डेली रूटीन्स के हवाले से जो है वो मैंने आपके साथ बताए कि अच्छे हैं। 7 को मामलात को जो है कुछ थोड़ा रोक लेना ही जो है वो बेहतर होगा। और कमर दर्द क्लब के हवाले से आप अगर मज़ीद डिटेल जानना चाहें तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या व्हाट्सअप स्टेटस पर हम लगाते हैं कि जी कमर दर्द क्लब कब स्टार्ट हो रहा है, किस तारीख को एंड होगा और उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, उनको अगर फोकस कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस चीज़ को जो है वो प्लान करना। मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम आपको और बेहतर गाइड कर सकूं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आज की वीडियो से भी आप जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। चैनल पे दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। स्कॉर्पियो हमारा अगला ज़ोडियक साइन, स्कॉर्पियो वीकली हॉरोस्कोप 1-7 सितंबर, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। स्कॉर्पियन सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप के सिलसिले का सितंबर जो है वो यानी स्कॉर्पियो सितंबर 2024 का जो है ये वीडियो अपलोड हो चुकी भी है, यहाँ पे आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिलेगा। पूरे महीने को अगर प्लान करना चाहें तो आप उस तरफ जो है वो जा सकते हैं। इस महीने में आपके लिए दो चीज़ें बहुत ही अहम होंगी और फिर उसके बाद मैं आपको डेट बाई डेट का भी सिलसिला जो है बताऊँगा आपको। सबसे पहली जो बड़ी खबर है और आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, मरीख जो है वो अपना घर तब्दील कर रही है। जाहिर चेक के 8th पार्ट में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी दे रहा था, आपकी जॉब से मुतल्लिका बहुत सारे मामला, आपकी हेल्थ से मुतल्लिका बहुत सारे मामला जो है वो डिस्टर्ब हो रहे थे, अब ये यहाँ से निकल के आगे जा रहा है। अच्छा, इसको ना हम ये कहेंगे कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात है, क्योंकि जब ये 8th पार्ट में था तो कुछ मिले जुले इम्पैक्ट थे, लेकिन अब तो डायरेक्टली ये जो है वो डेबिलेटेड होने जा रहा है। सो आपने इस मामले को इजी नहीं लेना, अपनी हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, जॉब गलती से भी नहीं छोड़नी वरना अगले कई महीने आपको जॉब मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो साथ काम करने वाले हैं उनके साथ मामलात कदरे बेहतर होंगे लेकिन बहुत अच्छे अभी भी नहीं है, और आपके 6th घर में नॉर्थ रूट है, आपको अपने हासदीन से प्रॉपर तौर से जो है वो बचने की ज़रूरत है। अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ भी आपको फोकस करना है, अगर आप खुद ऑनर हैं और आपके पास कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो ये भी कुछ मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं, स्पेशली ये कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आपके जो ससुराली सिबलिंग्स हैं उनके साथ मामलात आपके जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को जो है वो डाउन करने का बायस बनेगी। 4 सितंबर को मरीज यहाँ पे जा रहा है, 4 तारीख तक मामला बहुत अच्छे, लेकिन 4 के बाद से आपको जो है वो मोहतात रहना है और ये अगले कई महीने जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। मैंने पूरी डिटेल आपको जो है मंथली हॉरोस्कोप में बताई है। अब जब आपका अपना रूलिंग प्लैनेट डेबिलेटेड होगा तो फिर आपकी जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो है वो डाउन होंगी, चूँकि जो चीज़ आपको सोर्स कर रही थी वो डाउन है। मिसाल के तौर पर
एक बंदा जो है वो किसी भी एंगल से किसी एक बैंक से, मिसाल के तौर का उसका एक बैंक है, कोई भी नाम उसका रख लीजिए, वो बैंक उसका जो है उसकी एटीएम ख़राब है, उसका अकाउंट जो है वो इस वक्त जो पैसे होने के बावजूद नहीं चल रहा, उसको ना कुछ निकाल पा रहा है ना वो जो है वो एंटर कर पा रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। आपको जाना पड़ेगा आउटसोर्स की तरफ और आपको सबसे पहले तो इसकी नेगेटिविटी को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको नेगेटिविटी को कैसे ब्रेक करेंगे मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, और एक चीज़ उसके बाद और है उसके बारे में भी बात करूँगा। आपको नेगेटिविटी को इस तरह ब्रेक करना है कि आपको रोज़ाना जो है वो एक तस्बीह या हाफिज़ो या हाफिज़ों की पढ़नी है, और 261 मरतबा या मालिक को ये कुद्दूस पढ़ना है। मरीख जब जून जुलाई में नेगेटिव हुआ था तो मैंने ये कहा था कि अगले बहुत सारा टाइम जो है वो मार्स नेगेटिव रहेगा, सो आपको जो है वो केयर करनी है। ये इसका आखिरी स्पेल है और नेगेटिव स्पेल है, आपको बेहद जो है वो एहतियात करनी है। 261 मरतबा या मालिक को ये कुदूस और बलवाखनो मरतबा दुरुद पाक के साथ, और हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी के कलेजी का सदका देना, आपको अपना जो है वो रूटीन बनानी होगी। अच्छा जी, ये आपके लिए एक जो है स्टेप है। दूसरा स्टेप है, मैं वंस अगेन कहूँगा, अपने हाथ में एक मरजान पहनी है, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आपको कुछ आउटसोर्स मिल सके। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप में आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर आपको आयरन देता है, अगर किसी विटामिन की कमी है डॉक्टर आपको विटामिन देता है, वही मुतलका जिसकी डिफिशेंसी जो है वो हो रही होती है। सो मार्स आपकी पर्सनलिटी ट्रेट्स के हवाले से जो है, और इसका मुतलका जो जेमस्टोन है वो कॉरल है, इसके अलावा आप गार्नेट भी वेयर कर सकते हैं, गार्नेट भी आपको इस हवाले से अच्छा जो है वो सपोर्ट इंशाल्लाह करेगा। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट jawajam.com विजिट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर पे रابطہ कर सकते हैं, यहाँ भी आप ले सकते हैं। अब आखिरी इसका जो इम्पेक्ट आपके ऊपर है, सबसे पहले तो जो आपकी हायर एजुकेशन स्पेशलाइजेशन अगर आप कोई करना चाह रहे थे उसमें कुछ रुकावट इसकी वजह से जो है वो पैदा हो जाएगी, कोई डिले आ जाएगा, या आप अपना प्रोग्राम ही चेंज कर देंगे, और जो लोग कोशिश कर रहे होंगे उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। नंबर एक। नंबर दो, खुदा ना खास्ता मैंने ये कहा, आलम कुल तो परवरदिगार की ज़ात है, जो वो चाहे वो कर सकता है, और ये इसमें आज़म पढ़ना, ये पत्थर पहन लेना या सदका देना, ये सब परवरदिगार की इमदाद हासिल करने के लिए जो है वो एक तरीक़ाकार है। अच्छा जी, दूसरा, आपके कुछ इख्तलाफात जो हैं वो आपके सुसाली जुकारब के साथ जो है ये बिल्डअप हो सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए वीज़ा वगैरह अप्लाई करना, ये भी अब आपके लिए जो है वो मुनासिब नहीं होगा, चाहे दरमियान में कोई भी स्पेल आ जाए लेकिन आपके लिए ये अब जो है वो मुनासिब नहीं होगा। आपको अपने विजडम के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी जो है पड़ सकती हैं, और कुछ इख्तलाफात आपके सुसाली सिबलिंग्स के साथ आपके जो है वो डिवेलप होते मुझे नज़र आते हैं। ठीक इसी तरह जॉब अगर पाकिस्तान से बाहर आप देख रहे थे तो उसके मौके अब जो है वो ख़त्म हो चुके जो है वो होंगे, सो आपने इस चीज़ को बड़ी एहतियात के साथ गुजारना है। और दूसरा, 7 सितंबर को कमर दरकब होगा, हर महीने आने वाला इवेंट है, आप पहले से इसके बारे में जानते हैं। ये वो टाइम है जब आपके सुसाली जुकारब के साथ आपके कुछ इख्तलाफात जो है वो नुमाया हो सकते हैं। इस बार ये और शदीद हो सकते हैं चूँकि 4 सितंबर से मरीज यहाँ पे आ चुका है, 7, 8, 9, 3 दिन आपको बेहद एहतियात के साथ गुजारने हैं। कुछ इख्तलाफात उनके साथ, उधर से कुछ अटैक आपकी ज़ात पे, कुछ पर्सनलिटी के हवाले से कुछ ब्लेम गेम्स, और कुछ मफरूजात की बिना पर भी आपको जो है वो ब्लेम किया जा सकता है। और इसमें मैंने आपसे कहा है कि आपका कोई एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व हो सकता है, इस बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी इम्प्लॉयज़ के साथ उतनी गुफ्तगू किया करें जितनी के आप समझें कि ये इनको हज़म हो जाएगी, बल्कि हज़रत अली सलाम तो ये फरमाते हैं कि अपने दोस्तों के साथ भी उतनी चीज़ें शेयर करो कि कल को अगर वो आपके दुश्मन भी बन जाएँ तो आपके लिए नुकसानदेह साबित ना हो। सो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को जो है वो कवर अप कर पाएंगे। अब हम अगली तरफ चलेंगे आपके डे बाय डे वाले मामले की तरफ। तो यकम की जो डेट है ये आपके लिए कुछ मिली जुली होगी, बहुत सारी चीज़ों में आप एक्सपेंशन जो है वो चाह रहे होंगे, बच्चों से मुतलका मामला कुछ जेर गौर आएंगे, कुछ आप अपनी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप को जो है वो बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। इस मामले में कुछ चेंजिंग्स तो आ चुकी हैं, कुछ मज़ीद जो है वो इसमें भी चेंजिंग्स आएंगी। आप उनसे अपनी परेशानियों का इजहार कर सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं, या आप जो है वो उनके साथ अपने वो मामला डिस्कस कर सकते हैं जो कि आप ओपनली किसी के साथ जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह आपके बच्चों से मुतलका मामला भी आप इसकी मशावरत अपनी मदर लॉ के साथ कर सकते हैं, वालिद के साथ भी आपकी मशावरत जो है वो अच्छी आपके लिए फ्रूटफुल जो है वो साबित हो सकती है। उसके अलावा
जो आपका जो सोशली जो कर आपके साथ रिलेशनशिप के मामला हैं उसमें बेहतरी आएगी। फॉरेन ट्रैवल के हवाले से भी आपको अच्छा मौका है, ये अगर आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहें तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये यकम है, याद रखिए, चार को मैंने मना किया लेकिन ये अभी यकम है। इसके अलावा विजडम से मुतल्लिका मामला, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से मामला ये अच्छे होंगे। नए एग्रीमेंट्स आपके जो है कारोबारी हवाले से हो सकेंगे, आपने चूंकि नए गोल्स सेट कर लिए होंगे अपने कारोबारी मामला के हवाले से, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो बनता मुझे नजर आता है। दो तारीख कुछ मिली जुली है, तीन तारीख को आपको आगे बढ़ने फूलने का जो मौका मिलेगा, आप ज़्यादा डिटर्मेंट अंदाज में अपने गोल्स को अपने टारगेट्स को जो है ये अचीव कर सकेंगे। सीनियर के साथ रिलेशनशिप आपका जो है वो भी बेहतरी की तरफ जो है वो माइल होगा। ये दिन आपके लिए बहुत ही जो है वो अच्छा साबित होगा, लेकिन आपको कुछ मामलात में जो है वो ये ख्याल भी करना पड़ेगा कि आपकी जो बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप है, ये बच्चों से मुतलका मामलात, घर सवारी प्रॉपर्टी या तब्दीली से मुतलका मामलात, इसमें कुछ आपको जो है वो बैरियर्स आपके सामने जो है ये आ सकते हैं। चार का दिन जो है ये एक आपके लिए बड़ा तेज़ रफ्तार और बड़ा चेंजिंग की तरफ जो है वो माइल दिन होगा। ये वो दिन होगा जबकि मून एग्जैक्टली जो है वो अपोजिशन बनाएगा, स्क्वेयर बनाएगा आठवें मौजूद आपके मार्स के साथ, और मार्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया जॉब और हेल्थ से मुतलका है, आपका पर्सनालिटी से मुतलका है। तो इस दिन आपको अपनी अग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा कि आपके दोस्त अब आपके साथ आपका इख्तलाफ ना हो और आप अपने टारगेट्स को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेस्परेट जो है वो ना हो। पाँच का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, फॉरन के मामला बेहतर होंगे, स्पिरिचुअल मामला आपके जो है वो बेहतर होंगे, आप कोई ट्रैवल के हवाले से कुछ प्लान कर सकेंगे या आप अपने विजडम को जो है वो यूज़ करते हुए अपने रिलेशनशिप के मामलात को बेहतर बनाएंगे। स्पाउस के साथ, वर्किंग पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप जो है ये बेहतर होगा। उसके बाद यहीं से आपकी जो डीप थॉट्स हैं, जो आपने पीछे एनालिसिस किए अपने बारे में, अपने दोस्त अहबाब के बारे में, उनको यूटिलाइज करके आप एक्सपेंशन की तरफ जो है वो जा सकेंगे। और फाइनेंशियल मामलात जो है वो स्पेशली आपके जेर गौर होंगे, अनएक्सपेक्टेडली आपकी कहीं डूबी हुई रकम जो है वो मिल सकेगी, या शोहर से या लाइफ वर्किंग पार्टनर से जो है आपका हाथ जो है वो खुला रहेगा, कुछ पैसे आपके हाथ में जो है वो आ सकते हैं। सात को कमर दर्द रकम है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको उसके बारे में मोहतात रहना है। इसकी पूरी डिटेल हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे आपको दे दी जाती है कि कमर दर्द कब किस तारीख को कितने बजे स्टार्ट हो रहा है और किस तारीख को कितने बजे ख़त्म हो रहा है। सो उसके लिए आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें जो है वो फेसबुक पे फॉलो अप कर जो है वो कर सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस और बाकी चीज़ें जो हमारे अपने ग्रुप्स हैं वहाँ पर, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपरली हम स्प्रेड कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप इससे मुस्तफीद होंगे, तो अपनी दुआ में जरूर याद कीजिएगा। चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा।